बीते साल यानी कि 2020 में बहुत से बेहतरीन स्मार्टफोन्स मार्केट में आए और उनके फीचर्स काफ़ी ज़ोरदार थे, मगर अब नए साल की शुरुआत के साथ साथ नए स्मार्टफोन्स, नए लैपटॉप्स और नए गैजेट्स मार्केट में फिर से आ चुके हैं जिनके फीचर्स काफ़ी ज़ोरदार हैं। नमस्कार, मेरा नाम है स्नेहिल और आप देख रहे हैं TCP24 का खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग टेक्नो, जिसमें हम आपको बताते हैं लेटेस्ट गैजेट्स अपडेट्स के बारे में। हालांकि 2020 में बहुत सी कंपनियों ने 5G फीचर्स के साथ सस्ते स्मार्टफोन्स पर फोकस किया। हालांकि भारत में अब तक 5G फीचर्स शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कंपनियां अब भी इस दौड़ में लगी हैं कि पहले 5G फीचर्स के फ़ोन के साथ मार्केट में कौन अपडेट के साथ आएगा। 2021 की शुरुआत के साथ 5G स्मार्टफोन्स में भारतीय मार्केट काफ़ी गरमाया दिखाई दे रहा है और काफ़ी संभावनाएँ हैं कि नए साल के साथ नए स्मार्टफोन्स आपके पास आ जाएँ। अब ऐसे में देखना होगा कि कौन से स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा बेहतरीन हैं। वैसे तो सारी कंपनियां अपने अपने स्मार्टफोन्स मार्केट में उतारने को 2021 में तैयार हैं, तो इस बार आपको बताते हैं कि कौन कौन से नए स्मार्टफोन्स मार्केट में आए हैं और उनके फीचर्स आपके लिए कितने फ़ायदेमंद हो सकते हैं। हमारे लिस्ट में इस बार हमने पहले नंबर पर जो स्मार्टफोन को रखा है, वो स्मार्टफोन यूँ तो काफ़ी लंबे समय से अपने मार्केट में पकड़ बना चुका है और साथ ही साथ ये ब्रांड अलग अलग लोगों के लिए काफ़ी पसंदीदा है। इस ब्रांड का नाम है ओप्पो। ओप्पो ने A53 5G फ़ोन लॉन्च किया है। ये फ़ोन ओप्पो A53 का ही 5G वर्जन है। कंपनी ने फिलहाल इसका लॉन्च चाइना में किया है, जल्दी भारत में फ़ोन लॉन्च हो सकता है। ओप्पो A53 5G के 4GB प्लस 128GB वेरिएंट की कीमत लगभग 14,600 रुपये की गई है। यह फ़ोन अलग अलग कलर्स में आपको मिल सकता है। स्मार्टफोन में ऑक्टाकोर मीडियाटेक 720 प्रोसेसर दिया गया है। यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड बेस्ड कलर OS 7.2 पर बेस्ड है। इसमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है और 120 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट है। इसके साथ साथ 6.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है आपको। 5G वेरिएंट में 6GB तक का रैम भी दिया गया है। फ़ोन में 4000 के लगभग mAh की बैटरी है। स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, 2 मेगापिक्सल माइक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट सेंसर भी है। अब इसके बाद हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है Realme X7 Pro 5G। जी हाँ, आपने सही सुना, Realme ने फिर एक नया फ़ोन लॉन्च किया है जो 2021 में मार्केट में काफ़ी हलचल मचाने वाला है। इसके फीचर्स आपकी लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस ला सकते हैं, साथ ही साथ काम करने वाले लोगों के लिए ये फ़ोन काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। एक बार इसके फीचर्स भी देख लेते हैं। Realme ने Realme X7 Pro 5G को मार्केट में उतार दिया है। यूँ तो पिछले बार की तरह Realme इस बार भी मार्केट की गर्मी बढ़ा रहा है, लेकिन इस बार देखना ये होगा कि X7 की सीरीज़ में कौन कौन से नए फीचर्स आते हैं और कौन कौन सी चीज़ें नई आई हैं। फिलहाल इस फ़ोन को थाईलैंड में लॉन्च किया गया है, जहां इसकी कीमत करीब 32,000 रुपये के आसपास रखी गई थी, लेकिन इसकी कीमत 42,000 रुपये बताई जा रही है। हमारी लिस्ट में तीसरे और आखिरी नंबर पर है Xiaomi MI 11 और MI 11 Pro। जी हाँ, Xiaomi लवर्स के लिए और MI यूज़र्स के लिए ये काफ़ी अच्छा फ़ोन हो सकता है, क्योंकि जो MI यूज़ करते हैं उन्हें MI के फ़ीचर्स काफ़ी पसंद आते हैं, साथ ही साथ उसकी जो फंक्शंस हैं वो काफ़ी यूनिक रहते हैं और काफ़ी अलग रहते हैं, चाहे कैमरा क्वालिटी की बात करें या बाकी सारी चीज़ों की। हर मार्केट में बाकी सारी कंपनियों का MI हमेशा टक्कर देता रहा है। एक बार इस फ़ोन के फ़ीचर्स भी देख लेते हैं। Xiaomi जल्द ही MI 11 और MI 11 Pro 5G पेश करने वाला है। MI ने हर बार की तरह इस बार भी कैमरे पर खास ध्यान दिया है। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, फ्रंट कैमरा भी काफ़ी ज़ोरदार है। अगर इसके वेरिएंट्स की बात करें तो 8GB रैम और 12GB रैम के साथ साथ 256GB और 512GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया जा सकता है। दोनों ही मॉडल्स की कीमत 45,000 से 50,000 के बीच होगी। अब देखना यह होगा कि MI के इस फ़ोन में जो फीचर्स पहले थे वो रहते हैं या MI नए साल के साथ कोई नए फीचर्स लाता है। आज के ट्रेंडिंग टेक्नो में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे और बताएंगे आपको कि गैजेट्स की दुनिया में क्या नया है, कौन से स्मार्टफोन्स नए आए हैं, किस कंपनी ने किस स्मार्टफोन को पछाड़ा, और साथ ही साथ ये बताएंगे कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। तो हर सैटरडे हमारे साथ जुड़े रहें सिर्फ ट्रेंडिंग टेक्नो पर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।